भारतीय शेयर बाजार में आज यानी मंगलवार को गिरावट के साथ कारोबार की शुरुआत हुई। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज यानी BSE सेंसेक्स जहां 66 अंक गिरकर 58,049 पर खुला, तो वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज यानी NSE निफ्टी 29 अंक गिरकर 17,310 पर खुला। शेयर बाजार में अधिकतर शेयर आज लाल निशान के साथ खुले हैं, जबकि मिड कैप और स्मॉल कैप में मामूली बढ़त देखी गई है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का मिड कैप सूचकांक 12 अंक की बढ़त के साथ 24,425 और स्मॉल कैप सूचकांक 4 अंक बढ़कर 27,459 अंक पर खुला। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के निफ्टी पर UPL, आयशर मोटर्स, हिंडाल्को इंडस्ट्रीज, टाटा स्टील, ONGC लाल निशान में ट्रेड कर रहे थे, तो वहीं ITC, HUL, BPCL, एशियन पेंट्स और पावर ग्रिड टॉप गेनर थे। ग्लोबल स्तर पर कमजोर रुझानों के बीच आज भारतीय मार्केट में कारोबार की धीमी शुरुआत हुई है। सेंसेक्स व निफ्टी की 4 दिनों की रफ्तार पर आज बड़ा ब्रेक लग गया। अधिकतर एशियाई बाजारों में आज गिरावट के साथ ही रुझान देखने को मिल रहे हैं। गौरतलब है कि सोमवार को BSE सेंसेक्स 545 अंक की छलांग लगाकर 3.5 महीने के अपने सबसे उच्चतम स्तर 58,000 अंक के स्तर को पार करके 58,115 अंक पर बंद हुआ था। इसी तरह नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 181 अंक की उछाल के साथ 17,340 अंक पर बंद हुआ था। इसी तरह की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहिए पंजाब केसरी.com के साथ।